आरपीएफ एसआई के भावी दरोगाओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का जो हमारा सेट है ये सेट नंबर 20 है, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको जो पेपर कराने वाला हूँ वो 13 जनवरी 2019 के तृतीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करते रहना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इबादत खाना कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है इबादत खाना, पहले का आंसर आपको बताना है। तो ये फतेहपुर सीकरी में हो जाता है, पहली का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया। बताओ संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। दूसरे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बताओ कौन सा है। तो सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो आपका नींबू है, यानी तीन का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि फसलों को नियमित अंतराल पर की जाने वाली पानी की आपूर्ति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है। तो पानी की आपूर्ति कहलाती है सिंचाई। 4 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1931 में हुआ था। 5 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना है वो दंती दुर्ग ने की थी। 6 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप का संबंध है वो कौन से खेल से, 7 का आंसर आपको बताना। तो इसका संबंध है फुटबॉल से, 1 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है। तो बताओ किसके पास होती है ये शक्ति। तो ये शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। 8 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में लाया गया था। 9 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 10 है, करो या मरो यह नारा किसने दिया। तो बताओ किसके द्वारा ये नारे को दिया गया था, करो या मरो। तो ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। 10 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। तो राणा प्रताप सागर जो बांध है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान राज्य में। 11 का 4वां ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि IPPB का पूर्ण रूप क्या है। बताओ इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है, आप ऑप्शन देख लीजिएगा पहले एक बार। इसका जो फुल फॉर्म होता है 12वें का ये होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या देश में स्थित है। तो कालाहारी जो रेगिस्तान है ये स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो ये जैव विविधता का जो अंतरराष्ट्रीय वर्ष है ये घोषित किया गया था 2010 को। 14 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का पहला जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, यानी 15 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छदम बल कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन आप लोग
ये देख लीजिएगा, तो ये बल कहलाता है आपका अपकेंद्रीय बल, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। 17 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो बताओ कहाँ पर था। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय ये स्थित था बिहार में। 18 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किस शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। तो अमरावती जो वास्तुकला इसको जो संरक्षण मिला था वो सातवाहन राजवंश के द्वारा मिला था। 19 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, बताओ कौन सा है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजीव कुमार, यानी 20 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए गए बी डॉट डॉट लिखे दस्तावेजें जो कूपन और मूल भुगतान के विकल्प नहीं है अथवा नहीं हो सकती है। तो बताओ 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो ये हो जाएगा अर्थ ऋण, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने केन्या की मुद्रा का नाम क्या है, बताओ कौन सी है। तो केन्या की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है केन्याई शिलिंग, यानी 22 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि छोटी दूरी की धावक हिमा दास को किस राज्य ने खेलों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये उस समय पूछा गया था कौन से राज्यों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 23 का आंसर, तो ये असम राज्य ने बनाया, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में संसदीय जो क्षेत्र है वो टोटल 7 हैं। 24 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो कौन से राज्य की है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या अधिक है वो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की। 25 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि सोए अख्तर का उपनाम क्या है, तो सोए अख्तर को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से। 26 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है सामने, गौरव भिदूरी किस खेल से संबंधित है। तो गौरव भिदूरी का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से, यानी 27 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इरविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल राज्य में स्थित है। 28 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29वां प्रश्न है आपके सामने, क्यूबा की राजधानी है, बताओ कौन सी है क्यूबा की राजधानी। तो ये है आपकी हवाना। 29 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रिया कहलाती है। तो वाष्प का तरल में परिवर्तन ये कहलाती है अवक्षेपण की क्रिया, यानी 30 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बताओ कितना है। तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 4। 31 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की। तो ये अध्यक्षता किसने की थी, 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। 32 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है कि रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किए जाने की उद्घोषणा कब की। तो ये उद्घोषणा कब की थी, 33 का आंसर आपको बताना। तो ये उद्घोषणा की थी 1858 में। 33 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, ये है आपका प्रश्न संख्या 34 है, गुजरात की राजधानी कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। तो इजी और आसान प्रश्न है, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
में प्रश्न आ जाते कि मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई, ये कौन से अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी, 35 का आंसर आपको बताना है। तो ये शुरू की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है क्रिकेट टेस्ट मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, तो टेस्ट क्रिकेट में जो 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं उनका नाम है, बहुत अच्छे नाम है, अनिल कुंबले। 36 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न आ जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है चीन, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने, प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या है, बताओ क्या है, तो TIR का जो फुल फॉर्म है वो होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 38 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि लॉर्ड्स स्टेडियम निम्न में से किस देश में स्थित है, तो कौन से देश में ये लॉर्ड्स स्टेडियम है, तो ये पड़ता है इंग्लैंड में, 39 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है कि डॉट डॉट पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, 40 का आंसर आपको बताना, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है, तो ये स्वपोषी का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। 41वां प्रश्न कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो चुनाव है ये चुनाव होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, 41 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है, तो कितनी बार लागू हुआ है ये आपको बताना है, 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में जो आपातकाल है वो अभी तक 3 बार लागू हो चुका है, यानी पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, 43 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पुद्दुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो पुद्दुचेरी है ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि महरौली का लोह स्तंभ निम्न में से किस शहर में स्थित है, तो ये स्थित है वो स्थित है दिल्ली में, यानी 45 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सी धान फसल नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन सी है या एक अनाज फसल नहीं है, 46 का राइट आंसर, तो ये एक सीसा में, पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न कि तनाव ज्ञात करने का सूत्र है, तो तनाव ज्ञात करने का जो सूत्र है वो बल बटे क्षेत्रफल है, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो किसने बनवाया था, अलाई दरवाजा है इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, 48 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, बताओ कितनी है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6.37×10^6 मीटर है, 49 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न कि फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ कौन सा, तो फिनोल का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H5OH, यानी 50 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।